जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अचीवर्स गुरु में। और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। राधा मोहन सिंह, मैं यानी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, इन्होंने चमन परियोजना की समीक्षा की। चमन परियोजना की शुरुआत बागवानी क्षेत्र को सामरिक विकास प्रदान करने के लिए की गई थी। लागू हुआ FDDI अधिनियम 2017। FDDI अधिनियम जो है, इसका विधेयक जुलाई 2017 में जो है वो पारित हुआ था और अभी लागू हुआ है। ये फुटवेयर डिज़ाइन और विकास संस्थान, ठीक है, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, दो जगह है यूपी में। एक तो आपने देखा होगा उन्नाव के पास है और दूसरा जो है वो फुर्सतगंज रायबरेली, ठीक है। तो FDDI को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने की प्रेरणा परियोजना की शुरुआत। कृषि क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को सशक्त करने के लिए, ठीक है, इस परियोजना की शुरुआत हुई है प्रेरणा, जिसका नाम है। और सबसे पहले यह परियोजना जो है उड़ीसा राज्य से शुरू की जाएगी। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र में जो भी महिलाएं काम कर रही हैं उनके अनुकूल जो भी परिस्थितियां हैं और उनके जो औजार हैं काम करने के लिए कृषि क्षेत्र में, उसके लिए जागरूकता, ठीक है, उस पर भी काम किया जाएगा इस परियोजना के तहत कि किस किन चीज़ों से वो काम कर रही हैं, उन क्षेत्रों में प्रॉपर सुविधाएँ हैं उनके लिए या नहीं है वहाँ पर। कविता देवी करेंगी WWE के साथ अनुबंध, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। कविता देवी जो कि हरियाणा की हैं, पूर्व प्रतिस्पर्धी पावर लिफ्टर कविता देवी WWE द्वारा हस्ताक्षरित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। और इन्होंने 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने द ग्रेट खली के मार्गदर्शन में जो है वो ट्रेनिंग भी की हुई है। शमशेर खां का 87 की उम्र में निधन। शमशेर खान, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों में इनका निधन हुआ है। ये थे कौन? भारत की ओर से पहले ओलंपिक तैराक थे, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था सबसे पहले 1956 में मेलबॉर्न में, जो ओलंपिक हुआ था उसमें। 1954 में इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना में भी सेवा की। अभ्यास इंदिरा 2017, जो कि 19 से 29 अक्टूबर 2017 तक चलेगा। कहाँ होगा यह अभ्यास? रूस के पूर्वी सैन्य जिलों में। भारत और रूसी सशस्त्र बलों के बीच पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास इंदिरा 2017 आयोजित किया जाएगा। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल आत्मकथा, हेमा मालिनी की आत्मकथा है, और बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल का विमोचन उनके 69th जो बर्थडे था, 69वें जन्मदिन पर इसका विमोचन किया गया है। और पीएम मोदी ने इसके लिए शॉर्ट क्रिस्प एंड स्वीट प्रस्तावना लिखी है इस जो आत्मकथा है इसके लिए। कर्नाटक ने की स्वयं के झंडे की मांग। कर्नाटक के सीएम श्री सिद्धारमैया ने कन्नड़ गर्व का आह्वान किया है। सरकार कर्नाटक में एक राज्य ध्वज की मांग पर दृढ़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली, धन्यवाद।